गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। चलिए, हमने कल बात की थी दक्षिणी चित्रशैली पार्ट टू की। आज हम बात करेंगे अध्याय दो पार्ट वन की, जिसमें हम पढ़ेंगे मुगल चित्रशैली के बारे में। लेकिन इससे पहले आप एक जान लें कि आपका अंक विभाजन, अब क्योंकि टेस्ट सीरीज चल रही है तो इस दौरान आपका अंक विभाजन होगा, जिसमें आपको कमेंट करना है। और कमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, हर वीडियो को 3 बार देखना है। कितनी बार देखना है? 3 बार। और 3 बार देखने के पश्चात आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिख के आपको जो आपको वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा जाए उसका आपको जवाब देना है। क्या देना है? जवाब देना है। इसके आप दोनों के आपको अंक मिलेंगे 10-10, यानी 10 आपको 3 बार देखने के और 10 जो नंबर है वो आपको कमेंट सही उत्तर देने के आपको नंबर्स मिलेंगे। चलिए, हम बात करने जा रहे हैं मुगल चित्र शैली। किसके बारे में? मुगल चित्र शैली। सबसे पहले तो नाम से स्पष्ट है, मुगल चित्र शैली। जैसा कि आपको पहले प्रथम पार्ट में हमने बात की थी दक्षिणी चित्र शैली के, कि मुगल चित्र शैली यानी चित्र शैली किसे कहते हैं? वह शैली जो जिस स्थान पे पनपे या जिसके द्वारा पनपती है वो उसे उसी की क्या कहलाती है? चित्र शैली कहलाती है। अर्थात स्पष्ट है, मुगलों के द्वारा जो चित्र शैली का विकास किया गया उसे हम क्या कहेंगे? मुगल चित्र शैली। चलिए, हम बात करने जा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, 15वीं सदी में कुछ परिवर्तन देखने को अपने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहां तक कि कक्षा 11 में आपने पढ़ा था, जैन व अपभ्रंश शैली में भी इस समय 15वीं सदी के आसपास कुछ परिवर्तन देखने को प्राप्त होते हैं। और इन परिवर्तनों में मालवा के जो चित्र थे उनमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस समय के जो सचित्र ग्रंथ यानी जो परिवर्तन परिवर्तित जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं? लोटचंदा, महापुराण, नियामतनामा, अरण्यक पर्व, चोर पंचासिका आदि इसके उदाहरण हैं। किसके? परिवर्तन के। किसके हैं? परिवर्तन के। 16वीं सदी के अंत तक यानी 16वीं सदी में आते आते नवचेतना का प्रसार हुआ। क्या हुआ? नवचेतना का प्रसार हुआ। एक तरफ जहां नवचेतना का प्रसार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ रियासतें थी उनमें आपसी टकराव होने लगा। क्या होने लगा? आपसी टकराव होने लगा। और इसी टकराव के बीच में अपने भारत में मुगलों का प्रवेश हुआ। किनका प्रवेश हुआ? मुगलों का प्रवेश हुआ। और अब बात आती सबसे पहले, क्योंकि मुगलों के बारे में, तो मुगल कौन थे? सबसे पहले तो मुगल कौन थे? देखो, दो पक्ष होते हैं, एक तो पितृपक्ष, एक होता है मातृपक्ष। तो मुगल कौन थे? पितृपक्ष में देखिए, ये तैमूर वंश के थे। किस वंश के थे? तैमूर। देखो, सबसे पहले मुगल जो थे, मुगलों में सबसे पहले कौन आया? बाबर। कौन आया? बाबर। और बाबर किस वंश का था? तैमूर वंश का। और तैमूर वंश की कौन सी पीढ़ी से था? 5वीं पीढ़ी से। वहीं मातृपक्ष के हिसाब से अगर देखें तो एक मंगोल योद्धा, कौन सा योद्धा? मंगोल योद्धा चंगेज खान। मंगोल योद्धा चंगेज खां की पुत्री थी उस, ये उसका बेटा था, ठीक है। या यूं कहें कि पितृपक्ष के हिसाब से मुगल यानी बाबर 5वीं पीढ़ी से था, वही मातृपक्ष में मंगोल योद्धा चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी से था। कौन सी पीढ़ी से था? 14वीं पीढ़ी से था। अब इसलिए ये क्या कहलाए? मुगल कहलाए। क्या कहलाए? मुगल कहलाए। इसके बाद में हम वार ये प्रत्येक शासक के साथ साथ हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि ये मुगल चित्र शैली किन की किसे कहेंगे? किसे किसे कहेंगे? भारतीय व ईरानी, या हम कह सकते हैं राजस्थानी व ईरानी चित्र शैली के संयोग से जो चित्र शैली बनती उसे ही हम क्या कहेंगे? मुगल चित्र शैली। क्या कहेंगे? मुगल चित्र शैली। मुगल चित्र शैली। अब देखिए, एक पंडित हुए या कला विशेषज्ञ, नाम है राय कृष्णदास। क्या नाम है? राय कृष्णदास। उनके अनुसार मुगल चित्र शैली का जो जन्म है वो किसके समय हुआ? बाबर के समय। किसके समय हुआ? बाबर के समय, जिसका विकास शाहजहां के तक के काल तक लगातार अग्रसर चलता रहा। इसी दरमियान जहांगीर के काल में ये पूर्ण रूप से क्या हो गई? भारतीय हो गई। जहांगीर के काल में पूर्ण रूप से ये क्या हो गई? भारतीय। वहीं शाहजहां के काल में इस पर यूरोपीय प्रभाव देखने को मिला। कौन सा प्रभाव देखने को मिला? यूरोपीय प्रभाव। और यूरोपीय प्रभाव में क्या होता है? छाया प्रभाव दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? छाया प्रभाव का अंकन इसमें किया जाने लगा। इसके बाद में
क्योंकि जहांगीर के समय पूर्ण रूप से भारतीय कलाई हो गई थी, अतः जहांगीर के काल में अपेक्षाकृत अधिक चित्रों का या उनकी जो बनावट थी वो काफी समृद्ध थी। अतः जहांगीर का जो काल था वो मुगलों की दृष्टि से चरमोत्कर्ष था, इसलिए जहांगीर के काल को मुगल चित्र शैली की दृष्टि से हम स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। प्रश्न पूछा जा सकता है किसका काल मुगल चित्र शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहलाता है? किसका कहलाता है? जहांगीर का काल। किसका कहलाता है? जहांगीर का काल। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं तो इनका क्रम वाइज अगर हम पढ़े, उससे पहले छोटी सी बात और कर ले। देखो मुगल जो चित्र शैली थी वो तो एक दरबारी कला में बंधी हुई थी। कैसे थी? एक दरबारी कला में बंधी हुई थी। इसमें राजा के अनुरूप या यूं कहें कि सम्राट के अनुरूप इसमें जो चित्र शैली ये जो चित्र शैली थी उसमें परिवर्तन देखने को मिला। जैसे बाबर के समय इसमें कुछ अलग से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसके बाद में हुमायूं के समय कुछ अलग, अकबर के समय कुछ अलग, जहांगीर के समय इसमें कुछ अलग, ऐसे करके सभी जो सम्राट थे उनके समय अलग अलग इसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब ये मुगल चित्र शैली, हालांकि आपने सुना कि मुगल चित्र शैली में भारतीय या फिर राजस्थानी प्लस ईरानी चित्र शैली बराबर मुगल चित्र शैली, ये एक सूत्र बन गया इसका, राजस्थानी प्लस ईरानी चित्र शैली बराबर मुगल चित्र शैली। लेकिन इसमें क्या था? क्या देखो भारतीय या फिर राजस्थानी, इसमें क्या था? भारतीय तो कोमलता थी। क्या थी? भारतीय कोमलता। और ईरानी कठोरता। क्या थी? ईरानी कठोरता। इन दोनों का समावेश मुगल चित्र शैली में हुआ। किसमें हुआ? मुगल चित्र शैली में हुआ। अब इसका विकास, जैसे कि राजकृष्ण दास ने कहा, इसका विकास बाबर के आगमन से हुआ और बाबर के बाद में ये इसका जो विकास है वो शाहजहां तक अग्रसर चलता रहा। अंत में जो शासक बनता है औरंगजेब, जिसके समय इसका पूर्ण रूप से क्या हो गया? पतन हो गया। क्या हो गया? पतन हो गया। और वो पतन भी कैसा हुआ? देखो औरंगजेब ने क्या किया? चित्र शैली को अपने धर्म विरुद्ध माना। कैसे माना? धर्म विरुद्ध। और इसने क्या किया? अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए चित्रों पर सफेदी पुतवा दी, अर्थात जो भित्ति चित्र, भित्ति चित्र का मतलब अपने भाषा में, नॉर्मल भाषा में हमें बोलते हैं दीवार को, अपनी राजस्थानी भाषा में क्या बोलेंगे हम? भीत या भित्ति। अतः दीवार पर किए जाने वाली जो चित्रकारी है वही क्या कहलाती है? भित्ति चित्रकला। क्या कहलाती है? भित्ति चित्रकला। तो इसने क्या किया? अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्रों पर क्या करवा दी? सफेदी पुतवा दी। क्या कर दी? सफेदी पुतवा दी। किसने? औरंगजेब ने। किसने करवा दिया? औरंगजेब ने। इसी के साथ मुगल चित्र शैली का अंत हो गया। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? कलाकारों को कला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ कलाकार अपनी कला को छोड़कर, यानी चित्रकला को छोड़कर अन्य कार्यों में ये का अन्य अन्य काम करने लगे। वहीं कुछ चित्रकार उस रियासत को छोड़कर, अर्थात इस इन राज्यों को छोड़कर किन्हीं अन्य राज्यों में चले गए। इसी के साथ मुगल चित्रकला का क्या हो गया? पतन हो गया। अब क्योंकि मुगल चित्रकला शासकों के साथ परिवर्तित हो रही है तो हम क्या करेंगे? इनको शासकों के अनुरूप इन्हें पढ़ना उचित होगा। और ये रायकृष्ण दास के अनुसार भी ये इन्होंने भी ये कहा है कि हमें शासकों के अनुसार इन्हें पढ़ना उचित होगा। चलिए हम सबसे पहले बाबर के बारे में बात करें, क्योंकि इसका प्रवेश जो है वो किसके समय हुआ? बाबर के समय। किसके समय हुआ? बाबर के समय। सबसे पहले बाबर, देखो बाबर मूल रूप से कहाँ का था? ईरान का। कहाँ का था? ईरान का। और ये 1526 में, क्योंकि मैंने इससे पहले हमने बात करी आपसी टकराव के कारण, तो आपसी टकराव के कारण ये भारत में इसका प्रवेश हुआ। और भारत में इसने इसमें क्या किया? सबसे पहले आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। कौन सा आक्रमण? कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध। कब हुआ? 1526 ईस्वी में। कब हुआ? 1526 ईस्वी में। इसमें इसने विजय प्राप्त कर ली। क्या कर ली? विजय प्राप्त कर ली। और इसी विजय के साथ भारत में बाबर अर्थात मुगलों का प्रवेश हो गया। वैसे बाबर ने मूल रूप से चार युद्ध लड़े हैं, अभी जो पहले पढ़ चुके थे उनको तो पता है, बाकी जो अन्य जो नए विद्यार्थी हैं वो भी इसे सुन लें। बाबर ने भारत में चार युद्ध किए। इनका जो काल था वो 1526 से 1530 तक रहा है। इन्होंने देखो सबसे पहला युद्ध लड़ा इन्होंने पानीपत का, तो इसे याद करने का क्या करना आपको? पानी पीकर, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप याद कर लो, पानी पीकर अर्थात पानीपत का युद्ध, खाना खाकर खानवा का युद्ध, चाय पीकर चंदेरी का युद्ध, घर गया घाघरा का युद्ध और
अंत में आपको क्या करना है, एक और मैं जोड़ रहा हूं, इसमें मर गया अर्थात ये 1530 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई 40 के युद्ध में। लेकिन अपने को बात करनी केवल पानीपत युद्ध में, इसमें इससे इसका क्या होता है, प्रवेश होता है। अब आगे बारे बाबर के बारे में कि बाबर ने कला के क्षेत्र में क्या किया, क्योंकि मूल रूप से क्या पढ़ रहे हैं, चित्रकला। तो इन्होंने कला के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने अपनी आत्मकथा, इन्होंने एक आत्मकथा लिखी। हालांकि क्योंकि बाबर को ज्यादा समय नहीं मिला और इन्होंने ये इसका जो लगभग जो जीवन है वो इन युद्धों में बीत चला, क्योंकि ये 1526 में इसने ये युद्ध लड़ा, 1527 में ये, 1528 में ये, 1529 में ये, और 1530 में आपको पता है इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसका उस पूरा जो जीवन है यो वो युद्धों में बीता। फिर भी इन्होंने क्या किया, अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, क्या नाम है, तुजुक ए बाबरी, जिसे हम क्या कहेंगे, बाबर नामा। क्या कहेंगे? बाबर नामा। उसमें इन्होंने पूर्व के राफेल कहलाने वाले चित्रकार बिहजा एवं शाह मुजफ्फर की इन्होंने क्या किया, प्रशंसा की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाबर भी कला प्रेमी था। क्या था? बाबर भी कला प्रेमी था। अब सबसे पहले राफेल क्यों है, क्यों कहा गया बिहजाद को राफेल? और ये देखो, बिहजाद और शाह मुजफ्फर मूल रूप से कहां के थे, ईरान के। कहां के थे? मूल रूप से ईरान के रहने वाले थे। और अब ये सबसे पहले की बात आती है कि राफेल क्या कहते, देखो जिस प्रकार से अपनी बनी ठनी का आपने नाम सुना, इसे क्या कहते हैं, भारत की मोनालिसा, उसी प्रकार से इसे राफेल, अर्थात राफेल एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार रहा है। कौन सा चित्रकार रहा है? विश्व प्रसिद्ध। अतः इसको उपाधि दे दी गई राफेल की। क्या दे दी गई? राफेल की उपाधि दे दी गई। किसे? बिहजाद। ठीक है, याद रखना, पूर्व के राफेल कहलाने वाले चित्रकारों के नाम बिहजाद एवं शाह मुजफ्फर। आगे चलिए। अब इसका काल इसने अपने बाबरनामा अर्थात आत्मकथा में तुजुक ए बाबरी में इन दोनों चित्रकारों की कलाकृतियां देखी और इनकी क्या की, प्रशंसा की। अब इसके बाद में क्योंकि इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि संपूर्ण जीवन इसने युद्धों में बिताया और इसको ज्यादा समय नहीं मिला। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद में जो अगला जो शासक बना उसका पुत्र, बाबर का जो पुत्र बना वो कौन बना, हुमायूं। कब? 1530। और कब तक रही? 1556 तक। 1530 में जैसे ही हुमायूं गद्दी पर बैठा, तो आपको पहले से पता है ये पहले युद्धों में ये उलझा हुआ है, तो इसका जो संपूर्ण जीवन है वो कैसे बीता, संघर्षों में बीता। कैसे बीता? संघर्षों में बीता। अब इस संघर्ष में इन्होंने क्या किया, भारत से ये युद्ध हारकर ईरान भाग गया। कहां भाग गया? ईरान भाग गया। और ईरान से जब ये वापस लौटा, ईरान के शाह की, देखो इस जिस प्रकार से अपने यहां सम्राट या फिर राजा कहते हैं, उसी प्रकार से ईरान में क्या कहते हैं, शाह। क्या कहते हैं? शाह। याद रखना, ईरान के शासकों को क्या बोलते हैं, शाह। तो इन्होंने क्या किया, ईरान की शाहों की मदद लेकर जब ये वापस भारत में आया, तब इसने इसके साथ दो चित्रकार साथ आए। दो चित्रकार, नाम याद रखना, मीर सैयद अली, जिसका उपनाम है जुदाई, एवं दूसरा ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, इसका उपनाम है सिराज, जिसमें हम इसके बारे में अकबर के समय दोनों के बारे में बात करेंगे। अकबर के समय जो चार प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे, दो हिंदू और दो ये जो ईरान के रहने वाले थे। ये दोनों चित्रकार मूल रूप से कहां के रहने वाले थे, ईरान के। कहां के रहने वाले थे? ईरान के। किसके साथ आए? हुमायूं के साथ। किनके साथ आए? हुमायूं के साथ। अब ये दोनों चित्रकार हैं वो प्रारंभ में ईरानी या फारसी जो चित्र शैली थी उसमें चित्रांकन करते थे। कौन? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। ये दोनों प्रारंभ में ये फारसी और ईरानी चित्रकला में क्या करते थे, चित्रण करते थे। कौन कौन? मीर सैयद अली, जिसका उपनाम क्या है, जुदाई। ख्वाजा अब्दुल समद, जिसका उपनाम क्या है, सिराज। ठीक है, अब इसके बारे में हुमायूं के समय, क्योंकि इसका देखो कला प्रेम कैसे स्पष्ट होगा कि ये कला प्रेमी था, हालांकि इसका संपूर्ण जीवन संघर्षों में बिता था, इसलिए इनके समय ज्यादा चित्रकला का ज्यादा विकास नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया, दास्तान ए अमीर हमजा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमजानामा। क्या बोला जाता है? हमजानामा। इसका जो चित्रण है वो किसके समय प्रारंभ हुआ, हुमायूं के समय। लेकिन इसका पूर्ण रूप से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है किनके समय ये पूर्ण हुआ, यानी किनके समय इसका चित्रण पूर्ण किया गया।
तो ये अकबर के समय पूर्ण हुआ, कब हुआ, अकबर के समय इसका चित्रण पूरा हुआ। तो ये अपनी लश्कर में, देखो हुमायूं अपनी लश्कर का मतलब होता सेना में चित्रकारी भी रखता था। जब ये ईरान की शाह की मदद लेकर जब वापस भारत में आया तो अपनी सेना के साथ ये दो चित्रकार साथ लेकर आया, एक का नाम था मीर सैयद अली, दूसरे का नाम था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ये जो हुमायूं था, हालांकि उसका संपूर्ण जीवन संघर्षों में बिता, लेकिन फिर भी वह कला प्रेमी था। अंत में हुमायूं की जो मृत्यु थी वो सीढ़ियों से फिसल कर, या हम कह सकते हैं कि पोथी खाने की सीढ़ियों से फिसल कर इसकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार ने इसके बारे में कहा है कि हुमायूं संपूर्ण जीवन भर, हुमायूं का जीवन संपूर्ण जीवन भर, या हुमायूं संपूर्ण जीवन लुढ़कता रहा या लड़खड़ाता रहा, और अंत में लड़खड़ाते लड़खड़ाते पोथी खाने की सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। ये इस प्रकार से अभी हमने मुगल चित्र शैली का जो उद्भव विकास पढ़ा, जिसमें हमने दो बाबर और हुमायूं के बारे में बात की। कल हम, क्योंकि प्रत्येक सम्राट के हिसाब से इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो अकबर का हम एक साथ, अकबर का जो कला प्रेम है, अकबर के बारे में, इनके समय क्या क्या हुआ, इसके अलावा अकबर के जो प्रमुख जो चित्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एक साथ, अकबर का जो एक साथ ही एक वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज का मेरा प्रश्न सुनिए, आज का मेरा प्रश्न है, मुगलों का जो प्रवेश है, मुगलों का प्रवेश भारत में किस युद्ध से हुआ। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर, जैसा कि आपको यहां बताया गया उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। जो बच्चा इनका उत्तर नहीं देता है या कमेंट नहीं कर रहा है, उसका नाम अगले वीडियो में मैं लेने जा रहा हूं। तो इसी के साथ हम अगले सेशन में एक नए टॉपिक, जिसका नाम है अकबर, जो कब गद्दी पर बैठता है, 1558 में, और 1565, ये 1600 1605 तक ये रहता है, तब उसकी बात हम कल बात करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।